हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम देख लेते हैं, पीजीबीपी जो हमारा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम में से एक है, ठीक है। तो उसका जो अगला सेक्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 40 है जहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड, उसकी एक लिस्ट है यहाँ पे। कौन कौन से खर्चे आपको आपकी पीजीबीपी इनकम के सामने अलाउ नहीं किए जाते एज डिडक्शन। सबसे पहली जो लिस्ट है इट इज इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया। अगर आप आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, रॉयल्टी पे कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं टेक्निकल सर्विसेज के लिए, और पॉइंट ये है कि आपने उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं किया। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि आप आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पे TDS डिडक्ट करना भूल गए, तो उसकी वजह से पूरा खर्चा जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। और आपको ये TDS डिडक्ट करके सबमिट करना चाहिए था बाई द डेडलाइन विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ठीक है। और वो रिटर्न फाइलिंग की रेगुलर ड्यू डेट है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। प्रोविजो में बोला है द वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन आफ्टर द ड्यू डेट, सच सम शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड। तो अगर आप TDS काटना भूल गए, इस साल रिटर्न फाइल कर दिया 139(1) में, डेट चली गई है, तो इस साल आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने सोचा कि अगले साल और पेमेंट करते टाइम ये पिछला वाला TDS भी काट लेंगे ताकि डिडक्शन मिल जाए, तो तब आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो जिस साल आप पैसा काटेंगे TDS के नाम पे, उसी साल आप उस पूरे खर्चे का डिडक्शन ले पाएंगे, तब तक नहीं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, TDS नॉट डिडक्टेड ऑन सर्टन पेमेंट्स। अब ये वो पेमेंट्स है जो आप आउटसाइड इंडिया नहीं, विद इन इंडिया कर रहे हैं, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ऑल एक्सपेंडिचर्स पेमेंट इंटरेस्ट कमीशन ब्रोकरेज रेंट रॉयल्टी फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस फीस फॉर टेक्निकल सर्विस सैलरी डायरेक्टर्स फीस एक्सेट्रा जो कुछ भी है पेएबल टू अ रेसिडेंट और अमाउंट पेएबल टू अ कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर बीइंग रेसिडेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क ऑन विच द टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। अगर आप टैक्स काटना भूल गए ऑन और बिफोर 139 सबसेक्शन 1, तो उस सिचुएशन में जो डिसअलाउंस होगा वो पूरे एक्सपेंडिचर का नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंस है, वो आउटसाइड वाले केस में आउटसाइड इंडिया अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में तो पूरा ही डिसअलाउ कर दिया। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जितना भी आपने पेमेंट किया है ना, उसका 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, बाकी का 70% आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद प्रोवाइडेड दैट में हम देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन आफ्टर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 139(1), ये वही पॉइंट है कि अगर बाद में डिडक्ट किया है तो बाद में उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द असेसी फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स ऑन एनी सच सम बट इज नॉट डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट अंडर द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 201, देन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द असेसी हैज डिडक्टेड एंड पेड द टैक्स। ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट जो है एक्चुअली में TDS वाले चैप्टर से रिलेटेड है, यहाँ पे इसको उन्होंने लिंक किया हुआ है। सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 में डीम्ड टू बी डिफॉल्टेड, असेसी इन डिफॉल्ट उसकी कैटेगरी है। अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया तो आप असेसी इन डिफॉल्ट है, TDS डिडक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया तो भी आप असेसी इन डिफॉल्ट है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप TDS काटना भूल जाते हैं लेकिन सामने वाला उस इनकम के ऊपर पूरा टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है, मतलब मैंने आपको पेमेंट किया तो मुझे TDS काटना चाहिए था, मैंने नहीं काटा, पर आपने क्या किया उस पूरी इनकम को अपने अकाउंट्स में शो करके ग्रॉस अमाउंट पे उस पर पूरा टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचा दिया, तो उस सिचुएशन में एक तरीके से आपने मुझे बचा लिया। तो जो टैक्स मैं डिडक्ट करके पे करना भूल गया था वो आपने भर दिया ना, तो आपने मुझे बचा लिया। तो दैट सिचुएशन इज कवर्ड हियर इन द गिवन प्रोविजो कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर यहाँ पे जो ये 30% वाला पेनल्टी मेरे ऊपर लगाया जा रहा है वो चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं जब असेसी इन डिफॉल्ट की कैटेगरी से ही बाहर हो गया तो मैं ये 30% का जो एक तरीके का पेनल प्रोविजन है वो क्यों फॉलो कर रहा हूँ, क्लियर है। तो ये जो आपका पॉइंट है वो TDS के प्रोविजन से रिलेटेड है। हम जब आगे TDS का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको फिर से ये पॉइंट रिलेट करवाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने रेसिडेंट वर्ड कट कर दिया, जो बोला हुआ है सेंटेंस में कंप्लीट कर देता हूँ। इट शैल बी डीम्ड दैट द असेसी हैज डिडक्टेड एंड पेड द टैक्स ऑन सच सम ऑन द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न बाय द रेसिडेंट पेई रिफर्ड टू द सेड प्रोविजो। मतलब सामने वाला पर्सन रेसिडेंट पेई हो नॉन रेसिडेंट पेई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ता।
नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि अगर आपने कोई भी टैक्सेस पे किए हुए हैं तो टैक्सेस का डिडक्शन थोड़ी ना मिलता है। इनकम कमाते हैं, सामने खर्चा करते हैं, खर्चे का डिडक्शन लेते हैं, बचे हुए अमाउंट पे टैक्स पे करते हैं। अब फिर वापस से जो टैक्स पे किया उसको भी क्लेम करेंगे क्या एज बिजनेस एक्सपेंस? नहीं, वो आपको क्लेम करने को नहीं मिलता। वेल्थ टैक्स के बारे में भी बात की है यहाँ पे। वेल्थ टैक्स एक्चुअली अब खत्म हो चुका है, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ ना भी समझाऊं तो भी चलेगा। वेल्थ टैक्स पहले लगता था, ये 2014-15 में अबॉलिश हो गया था और मोदी गवर्नमेंट ने आते ही पहले इसको हटा दिया, और सही भी है बिकॉज कोई काम का ही नहीं था। वेल्थ टैक्स ऐसा आउटडेटेड प्रोविजन था जहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो रहा था और रेवेन्यू कम आ रहा था, तो जो डिपार्टमेंट था वेल्थ टैक्स का उसको चलाने में उनका जितना खर्चा हो रहा था ना उतना तो एक साल का वेल्थ टैक्स का रेवेन्यू नहीं था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको चार्ज करने का मतलब नहीं है, बेटर है बंद करो, स्टाफ को किसी और काम पे लगाओ, उनको जो सैलरी दे रहे हो उसको वसूल करो कम से कम, ये होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, अमाउंट पेड बाय द वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे दो एंटिटीज है, बात किसकी हो रही है? स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की और स्टेट गवर्नमेंट की। कौन किसको सर्विस पे और पैसे दे रहा है? एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ फीस एटसेट्रा विच इज लेविड एक्सक्लूसिवली ऑन और एनी अमाउंट अप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बाई द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ सच अंडरटेकिंग अंडर द हेड पीजीबीपी। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग का मतलब ऐसा कि किसी एंटिटी में अगर स्टेट गवर्नमेंट का 90% से ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या कंट्रोल है तो ऐसी एंटिटी को बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई भी फीस कमीशन चार्जेस अगर स्टेट गवर्नमेंट को देती है तो उसका उसको कोई डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलता, ये मना किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में सैलरी बोला हुआ है। अगर आप सैलरी के हेड में सैलरी पे कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया या फिर टू अ नॉन रेसिडेंट एंड इफ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड देयर ऑन और डिडक्टेड देयर ऑन, मतलब वही TDS कटना चाहिए था लेकिन आपने नहीं काटा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं पेमेंट टू द प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। ये वो सिचुएशन है जब आप एम्प्लॉय की सैलरी में से PF कंट्रीब्यूशन काटते हैं और उसको आगे जमा नहीं करते या फिर अपने हिस्से का PF कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं करते तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? ठीक है, तो डिडक्शन क्लेम करना अलाउड नहीं होगा। दो पॉइंट्स होते हैं इसमें। यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो हिस्सा है कॉन्ट्रीब्यूशन का, वो हिस्सा अगर वो जमा नहीं करता है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे काट के अगर एम्प्लॉयर आगे भरता नहीं और अपने पास रख लेता है वो उसकी इनकम मान ली जाएगी। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे और दोनों का पूरा जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे अलग अलग हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पार्टनर्स वाला पूरा ब्लॉक मैंने आपको अलग से पहले ही समझा दिया क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड था और उस पर हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, हमने देखा था उसमें क्या था। पेमेंट टू AOB BOI का पूरा कंसेप्ट मैं आपको अलग चैप्टर के तौर पर समझा दूंगा, सेक्शन 167A और B है उसमें हम बात कर लेंगे उस पर, तो अभी वहां पे नहीं भी जाएंगे तो चले। नेक्स्ट पार्ट है रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंसेस, ये भी देख लेते हैं कुछ सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला है सेक्शन 40 कैपिटल ए सबसेक्शन 2, पेमेंट टू रिलेटिव्स और एसोसिएट्स। देखें, वेयर द असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन और इज टू बी मेड और एनी पर्सन स्पेसिफाइड बिलो एंड द असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच एक्सपेंडिचर इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल। मतलब आपने जो खर्चा किया है ना पेमेंट के नाम पे, किसी स्पेसिफाइड पर्सन को आपने पैसे दिए, पेमेंट दिया, हो सकता है सैलरी रेम्यूनरेशन ऐसा कुछ आप दिखा रहे हैं, लेकिन इनकम टैक्स में असेसिंग ऑफिसर को ये लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही एडिशनल अमाउंट पे कर दिया है, मतलब जो मार्केट रेट होता है ना उससे कुछ ऊपर ही चल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द FMV ऑफ द गुड्स सर्विसेज फैसिलिटीज फॉर विच द पेमेंट इज मेड और द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द असेसी और द बेनिफिट डिराइव्ड बाय अक्रूइंग टू हिम देयर फ्रॉम सो मच ऑफ द एक्सपेंडिचर एज इज कंसिडर्ड टू बी एक्सेसिव। मतलब ये है कि मैं आपसे गुड्स खरीद रहा हूँ, मैं आपसे सर्विसेज ले रहा हूँ, मैं आपको काम पे रख रहा हूँ, मैं आपको सैलरी पे कर रहा हूँ, गुड्स का पेमेंट भेज रहा हूँ, पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, और उनको लग रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से बहुत ही अनरीजनेबल पेमेंट किया हुआ है, तो जितना भी एक्सेस खर्चा मैंने दिखाया हुआ है ना अपने बुक्स में अपने प्रॉफिट को लोअर डाउन करने के लिए वो रोल बैक हो जाएगा और एड बैक कर दिया जाएगा मेरी इनकम में, या इन शॉर्ट डिसअलाउ कर दिया जाएगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस की बात हो रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, जो फेयर मार्केट वैल्यू है। अगर मैं किसी और से गुड्स खरीदता अनरिलेटेड पर्सन से तो कितने पैसे उसको देता,
और आपको कितने पैसे दिए, तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना वो डिफरेंस यहाँ पे एड बैक हो जाएगा। तो जो अननोन बायर या अननोन सेलर के साथ जो प्राइस एक्सचेंज होता है उसको क्या बोला जाता है, आर्म्स लेंथ प्राइस। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट है, यह ध्यान रखना। अभी ये आपके सिलेबस में चैप्टर इतना डिटेल में नहीं है, सेक्शन 92 वाला, इसलिए मैं और डिटेल में उस पर जा नहीं रहा हूँ। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं जिन पे असेसिंग ऑफिसर को डाउट हो जाता है, मतलब रिलेटिव्स एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, तो ये उसकी लिस्ट दी हुई है। ये लिस्ट में जितने भी पॉइंट्स हैं आप एक बार पढ़ के देख सकते हैं, हार्डली ऐसा कुछ नया मिलेगा। हमने जैसे रिलेटिव्स और सबकी बात की हुई है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वोटिंग पावर, 20% वाला पॉइंट एंड ऑल, वही लिस्ट आपको यहाँ पे रिपीट मिलने वाली। तो एक बार आप उसको वापस से रीड करके देख सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछना। फिर बोला है कैश पेमेंट्स विच आर एक्सीडिंग रुपीज 20,000। अब ये 20,000 अमेंड होके हो गया 10,000 क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक स्टार मार्क किया हुआ है। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि कैश ट्रांजेक्शन्स को करो कट डाउन ताकि ब्लैक मनी का सर्कुलेशन हो जाए कम। इसके लिए गवर्नमेंट किस लेवल तक जा चुकी है, कितने एफर्ट्स कर चुकी है, हमने देख ही लिया। अब वो फेल हुए सक्सेसफुल हुए वो तो डिबेटेबल रहने ही वाला है, लेकिन जो डिसीजंस उन्होंने लिए डीमोनेटाइजेशन एंड ऑल, दे हैड एन इंटेंशन कि कैश जो लोगों ने ब्लैक मनी के फॉर्म में छुपा रखा है उसको कहीं ना कहीं खत्म करना जरूरी है और कैश ट्रांजेक्शन्स पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे ऐसे प्रोविजंस किए। तो पूरे लॉ में आपको दिखेगा कि 10,000 रुपये से ऊपर अगर आपने एक दिन में एक बंदे को पेमेंट किया है कैश में, तो पूरा बिजनेस एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो सकता है। उसी की बात यहाँ पे की आपके पास बाकी के बहुत सारे मोड्स हैं, आपको कैश में पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अकाउंट पे ही चेक दे सकते हैं, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। इसमें क्रॉस चेक नहीं चलेगा, बेरर चेक नहीं चलेगा, ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अकाउंट पे ही चेक ओनली, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट ओनली, कि भाई अकाउंट पे ही किया हो और बंदे का नाम जो है वो लिखा हो ताकि वो नेगोशिएबल ना रहे, ठीक है। तो ये सब नेसेसरी है जानना। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला कि जो लीजिंग, प्लाइंग और हायरिंग के बिजनेस में है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में है, उनको रिलैक्सेशन दिया कि आप 10,000 के बदले 35,000 रुपीज तक भी अगर उनको कैश एक दिन में पे कर देते हो तो चलेगा। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, हमने थोड़ा जुगाड़ बिठाया, बिल हो रहा है 15,000 रुपए का, मैं अगर आपको एक इनवॉइस पे आज 15,000 दे दूं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने बोला एक काम करो, 8,000 और 7,000 दो बिल बना दो, सेम डेट के आगे पीछे इनवॉइस बना दो, इनवॉइस नंबर 138 139, और मुझे आपको इनवॉइस दे दो, मैं आपको 15,000 दे देता हूँ। एक ऐसे दिखा देना 8,000 की एंट्री, एक दिखा देना 7,000 की एंट्री। इनवॉइसेस अलग होने से फर्क नहीं पड़ता है, जिसको आप पैसे दे रहे हो और जिस डेट पे दे रहे हो ना वो देखा जाता है। सेम डे पे सेम पर्सन को आपने 10,000 से ऊपर पे किया नहीं चलेगा, ठीक है। तो भले आपने उसको दो इंस्टॉलमेंट दिखाया हो, तीन दिखाया हो, लेकिन दिया तो एक ही दिन पे ना, और किसको पे किया, उसी सेम पर्सन को, तो इनवॉइसेस डिफरेंट होने से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सेटिंग करनी है तो इनवॉइस दो दिन आगे पीछे का बना दो ना, अगर 5 तारीख का इनवॉइस है दूसरा 8 तारीख का बना दो तो चलेगा, वो तरीका सही है, लेकिन सेम डे पे होगा तो कानूनी तौर पे नहीं चलेगा। अच्छा, एक इसके साथ एक रूल दिया हुआ है, Rule 6DD, ये एक आपके लिए लिस्ट है, अगेन थोड़ा मेहनत करने वाला पॉइंट है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में ये 10,000 वाली कंडीशन, 35,000 वाली जो कंडीशन है उसको साइड पे रखना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी हो सकती है, वहां पे आप चेक पास करवाने नहीं बैठ सकते, हॉस्पिटल का मैटर हो सकता है, ऐसा कुछ अर्जेंट हो सकता है, बैंक की स्ट्राइक हो सकती है, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। तो ये इनकम टैक्स रूल्स 1962 का रूल है, Rule 6DD। इस रूल में उन्होंने एनलिस्ट किया हुआ है वो सारी इमरजेंसी मैटर्स जहां पे कैश में पेमेंट अगर इस लिमिट से ज्यादा भी किया होगा ना तो चलेगा, ठीक है। तो ये लिस्ट एक बार आप पढ़ के देखो, MCQs डायरेक्ट मिलेंगे इसमें, एग्जाम में वो लोग ये रूल का यूज करते हैं, तो एक तरीके से इंपॉर्टेंस है इसकी, इग्नोर मत करना। ग्रेच्युटी वाले केस में क्या क्लैरिफिकेशन है बता देता हूँ। तो ग्रेच्युटी के केस में ऐसा है कि आप अगर अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए ग्रेच्युटी फंड क्रिएट करके रखते हो कि रिटायरमेंट पे उनको पैसा देंगे, तो वो फंड का प्रोविजन करने पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो प्राइवेट प्रोविजन है, आप तो कितना भी दिखा सकते हो। लेकिन जब आप ग्रेच्युटी एक्चुअली में पे करोगे जिस साल में जिस एम्प्लॉय को, उतना डिडक्शन आप ले लेना, कोई आपको मना नहीं करने वाला। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरा, अगर कोई स्टैच्यूटरी फंड है जहां पे आप ग्रेच्युटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, गवर्नमेंट का कोई फंड है, तो आपको उस कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन देने में उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये ध्यान रखना। ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पे मिलती है एम्प्लॉयज को, मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस कंटिन्यूस हो जाए आपकी एंटिटी में और फिर वो आपकी कंपनी से रिजाइन करे, तो ग्रेच्युटी क्लेम करना उसका राइट बनता है।
एक्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी वाला, हमने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में पढ़ा था, लेबर लॉ वाले कंप्लायंसेस के चैप्टर में, ये वही प्रोविजन है। नेक्स्ट बता रहे हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर्स टू नॉन स्टैच्यूटरी फंड्स। जितने भी एम्प्लॉय वेलफेयर फंड्स हैं वो स्टैच्यूटरी होने चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकग्नाइज्ड या खुद गवर्नमेंट के होने चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड है। तो अनरिकग्नाइज्ड होगा और आप कंट्रीब्यूट करते जाओगे तो उसका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 43B, ये भी एक प्रोविजन अच्छा है, साथ साथ मैं बता देता हूँ, उतना डिटेल्ड नहीं है। इसमें भी एक लिस्ट बोली है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, पहले आप लिस्ट तो पढ़ो। कंसेप्ट में उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने वो एक्सपेंसेस एक्चुअली में पे कर दिए, मतलब पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है एक्सपेंसेस का। अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है, किया नहीं है आपने अभी तक, तो वो तभी मिलेगा जब आप कर दोगे। तो जिस साल में आप वो खर्चा पे करोगे उस साल में आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो ऐसी लिस्ट दे रखी है, ड्यूटीज, सेस, टैक्सेस, बोनस, कमीशन टू एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आप पे कर रहे हो उनको, टू इंटरेस्ट टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जो आपने लोन ले रखे हैं, लीव एनकैशमेंट्स होता है ना, वो एम्प्लॉयज लीव के बदले अगर काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पे देना पड़ता है, एनी सम पेएबल बाय एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्युएशन फंड, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द यूज ऑफ रेलवे असेट्स, मतलब जैसे रेलवे का गोडाउन, रेलवे का शेड या ऐसा कुछ आप यूज कर रहे हैं तो उसके बदले कोई चार्जेस पे कर रहे हैं तो, द इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स, अगेन वही है, द इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग अ डिपॉजिट टेकिंग NBFC और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। तो इन लोगों से भी अगर आपने पैसे लिए और इनको आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये सब खर्चे का डिडक्शन सिर्फ आपको उस साल में मिलेगा जिस साल में आपने पेमेंट किया। तो अगर रिटर्न, अच्छा इसमें ये भी ध्यान रखना, डेट देखी जाती है रिटर्न फाइलिंग की डेट, अगर 139 सबसेक्शन 1 की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है उस डेट तक आपने पेमेंट कर दिया आप डिडक्शन ले लो, भले 31 मार्च तक नहीं किया उसके बाद किया तो भी डिडक्शन ले लो, लेकिन रिटर्न फाइल करने की डेट तक भी आपने अगर पेमेंट नहीं किया हुआ है तो आपको उसका डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा। अगले साल पे करोगे तो अगले साल ले लेना, तो सम्स मिलेंगे। जैसे कंपनीज के लिए डेडलाइन होती है रिटर्न फाइलिंग की 30 सितंबर, आपको बोलेंगे पेमेंट किया है 5 अक्टूबर को, तो डिडक्शन इस प्रीवियस ईयर में तो नहीं मिलेगा, अगले प्रीवियस ईयर के हिसाब से उसका असेसमेंट करते टाइम डिडक्शन आप ले लेना, ठीक है। तो ऐसे प्रोविजंस हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका सेक्शन 43B, और इसमें वो 10,000 रुपये वाला पॉइंट तो रहने ही वाला है, डिसअलाउंस वाला जो हमने ऊपर देखा। तो यहां तक एक प्रोविजन मैंने आपको बता दिया, अब इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम बाकी के सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे जो भी रिमेनिंग है। 41 वाला एक ब्लॉक है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस बिजनेस है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो जितना भी अब बचा है उसको हम रैपअप अगले लेक्चर में कर सकते हैं ताकि आपका ये चैप्टर जो है वो एंडिंग हो जाए इसका, और फिर हम आगे के बाकी के टॉपिक्स भी देख सकें। कोई क्वेरी है आपको तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ लेना ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करके कंप्लीट कर सकें, ठीक है, और फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।